Everyone in the family doesn't have the same taste. That is scientifically proven, not that I am saying. The five mistakes ki baat karne wale, natural light is natural light, which I have made in the past. Light hote hain ki milte hain. Aur usme jo hota hai, wo alag hi baat hoti hai usme. Hi friends, Interior Access by Nihara में आप सबका स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले लाइटिंग डिजाइन मिस्टेक्स के बारे में. हम स्पेसिफिकली ऐसे पांच मिस्टेक्स की बात करने वाले हैं विच आई हैव मेड इन द पास्ट इनिशियली इन माय करियर एंड ऑल्सो आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल डू द सेम. सो हम उन सारे मिस्टेक्स की बात करेंगे. सो अगर आप खुद के घर का रेनोवेशन करने वाले हैं या आप एक प्रोफेशनल हैं तो वी कैन बी श्योर कि आप सेम मिस्टेक्स नहीं दोहराएंगे. एंड बिफोर यू स्टार्ट विद द वीडियो, दिस वीडियो इज इन कोलैबोरेशन विद पॉलीकैप फॉर द न्यू सिंटेलेक्ट 3-in-1 LED पैनल लाइट. तो उसकी भी बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग the client brief and client requirement, सबसे पहले हम एक furniture layout बनाते हैं जिसमें we start adding lights based on the furniture layout and based on the functionality of the space. वो होने के बाद we add more lights to enhance the aesthetics of the space. So इसमें क्या है, हम lighting को दो हिस्सों में divide करते हैं. सबसे पहले आपका हो गया एरिया लाइटिंग और उसके बाद हो गया आपके एक्सेंट लाइट्स, एम्बिएंट लाइट या टास्क लाइट. एरिया लाइटिंग क्या है, किसी भी स्पेस को यूनिफॉर्मली लिटअप करने के लिए जो लाइट्स हम देते हैं, जो सीलिंग में आते हैं, जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वो आपका एरिया लाइटिंग आ गया. ना उसी के साथ उसको सपोर्ट करने के लिए हम जो एक्स्ट्रा लाइट्स ऐड करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लिविंग रूम है तो आपने सीलिंग में पैनल लाइट्स के साथ आपने शैंडलियर ऐड किया, कोई इंडिरेक्ट लाइट आपने ऐड किया, टीवी यूनिट में आपने इंडिरेक्ट पैनल लाइट ऐड किया, या आपके फर्नीचर के नीचे जो हम इंडिरेक्ट लाइट देते हैं वो है, या आपने वॉल लाइट्स ऐड किए हैं, फ्लोर लाइट्स, वॉल वॉशर्स, जो भी आपने ऐड किए. तो इसके साथ जब पैनल लाइट्स के साथ आप ये सारे लाइट्स ऐड करते हो तो एक लेयरिंग क्रिएट होता है यूजिंग द रॉन्ग टाइप, स्टाइल एंड साइज ऑफ लाइटिंग. क्लाइंट के साथ व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस इज बिकॉज वी यूज टू ट्रेडिशनल लाइटिंग मेथड्स, जैसे इसमें ट्यूब लाइट्स है या बल्ब्स है, टू मेक दैट शिफ्ट फ्रॉम ट्यूब लाइट्स टू पैनल लाइट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि हमें उसकी आदत हो गई है. एक इसमें एस्थेटिकली देखने जाएंगे तो एक पॉइंट है कि जैसे ट्रेडिशनल ट्यूब लाइट्स या बल्ब्स है, दे काइंड ऑफ पॉप आउट ऑफ द सर्फेस एंड पैनल लाइट्स आर ऑलमोस्ट हिडन. तो ये हो गई एस्थेटिक्स की बात. सेकंड, इसमें आपको डिफरेंट मोड्स मिलते हैं. सो एक इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ट्रेडिशनल ट्यूबलाइट आप ये यूज करोगे तो आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. रॉन्ग टाइप ऑफ लाइटिंग में क्या आता है, सो द क्लोजेस्ट दैट यू कैन गेट टू अ ट्यूबलाइट लाइट इज द पैनल लाइट. तो आप पैनल लाइट जैसे मैंने कहा सीलिंग पे लगाओगे तो यू विल स्टिल गेट दैट इफेक्ट, उतना ही लाइट आएगा बट शेडोज उसमें मिनिमाइज होते हैं, शेडोज नहीं होते. नाउ इंस्टेड ऑफ पैनल लाइट सीलिंग में ही लगाने, इसके लिए अगर आपने पूरे जो एरिया लाइटिंग है उसके लिए अगर आपने COBs लगा दिए, जो स्टूडियो लाइटिंग होता है. नाउ कई बार ऐसे होता है कि हम इंटीरियर करने वाले इसके लिए काफी सारे रेफरेंस इमेजेस शॉर्टलिस्ट करते हैं और उसमें जो लाइटिंग है जो दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज स्टूडियो लाइटिंग. एक्चुअल में अगर आपने लगाया वो दिखने में तो बहुत अच्छा दिखता है, पर एक्चुअल यूनिफॉर्मली अगर आपने वो लाइट लगाया तो इट क्रिएट्स मल्टीपल शेडोज. और अगर आप उस लाइट में एक्चुअल में रहोगे तो आपको रियलाइज होगा, जैसे मैंने कहा कि इट इज वेरी अनकंफर्टेबल, आप बैठोगे वहां पे स्पॉटलाइट जैसे आपके ऊपर आता है या तो शेडोज बहुत क्रिएट होते हैं. तो इसके लिए जनरल लाइटिंग के लिए यू कैन यूज पैनल लाइट्स और स्पेसिफिक एरियाज में कोई कॉर्नर्स है वहां पर यू कैन यूज दीज लाइट्स. और व्हाट यू कैन डू इज क्रिएट टू स्कीम्स, तो आपके पैनल लाइट्स भी है एंड उसी के साथ यू क्रिएट वन मोर स्कीम जिसमें आपके COBs या स्टूडियो लाइट्स आ गए. जब भी हम डाइनिंग एरिया के रेफरेंस इमेजेस देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि डाइनिंग के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा एक शैंडलियर दिया हुआ है और हमें लगता है हम भी वैसा ही कुछ करेंगे, बहुत खूबसूरत दिखेगा. बट बहुत बार ये जो रेफरेंस इमेजेस होते हैं ये इंडिया के बाहर के होते हैं जहाँ पे क्लाइमेट अगर कोल्ड है तो ऑब्वियसली फैन की जरूरत नहीं होती, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किसी भी जगह में बैठना विदाउट फैन वन कैन इमेजिन कि क्या होगा. तो दिस इज अ कॉल दैट यू टेक, आपको अगर शैंडलियर लगाना है फैन के जगह पे देन ऑब्वियसली यू हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन ACs most of the time. तो अगर आप उस वो आपकी lifestyle को definitely आपको decision ले सकते हैं. या market में अभी ऐसे भी बहुत सारे options हैं जिसमें fans और light integrated होते हैं, जिसमें आपको एक fan भी use करने को मिलता है और एक fancy light भी मिलता है. नेक्स्ट इज स्टिकिंग टू वन टेम्परेचर ऑफ लाइट. वी ऑल आर यूज टू वाइट लाइट्स विच इज गुड इन केस ऑफ स्कूल्स, ऑफिसेस, क्लिनिक्स, बट घर में कंप्लीटली अगर एक ही टेम्परेचर की लाइट्स आप लगाते हो, व्हाइट लाइट्स ही लगाते हो, देन उसमें आपको लेयरिंग या मूड लाइटिंग है जो कई बार आपने अगर रेस्टोरेंट या कैफेज में आप देखते हैं कि एक डिफरेंट एम्बियंस क्रिएट किया होता है, वो आपको मिल सकता है अगर आप ऐसे पैनल लाइट सेलेक्ट करो जिसमें 3 टेम्परेचर्स है. इफ यू स्टिक टू व्हाइट लाइट देन ऑब्वियसली यू डोंट गेट द फ्लेक्सिबिलिटी कि आप दूसरा एम्बियंस भी क्रिएट कर सकते हो. इफ गिवन अ चॉइस, मुझे प्रोजेक्ट्स में डे लाइट यूज करना ज्यादा पसंद है. एज डिजाइनर्स यू हैव टू कन्विंस द क्लाइंट्स, या कई बार आपको ऐसा कोई प्रोडक्ट चूज करना पड़ता है जिसमें यू गेट फ्लेक्सिबिलिटी या जिसको जो चाहिए उस तरीके से उसको वो एम्बियंस क्रिएट कर पाए. सो लेट्स सी आज का हमारा जो प्रोडक्ट. दिस इज अ न्यू पॉलीकैप सिंटेलेक्ट 3-in-1 LED पैनल लाइट. इसमें आप देख सकते हैं लाइट का एक फोटो एंड देन इसमें आपको तीन मोड्स मिलते हैं, कूल व्हाइट, न्यूट्रल व्हाइट एंड वार्म व्हाइट. सारे फीचर्स आप इसमें देख सकते हैं. 12 वॉट्स का लाइट है, ये राउंड है, इसमें आपको स्क्वायर भी मिलता है और बैक साइड पे आप इसका कटआउट डिमेंशन देख सकते हैं. लेट्स क्विकली अनबॉक्स दिस.
क्लीन, नीट और क्रिस्प है, डिटेलिंग बहुत अच्छा है और इस तरीके से सीलिंग में दिखेगा. कंसिडर दिस एज योर जिप्सम सीलिंग. और बैक साइड से आप देख सकते हो इसमें एक क्लैम्प्स है जिसकी हेल्प से ये सीलिंग में फिक्स रहेगा. और इसकी जो डेप्थ है एक्चुअल में 1.5 इंचेस है, बट जो विजिबल डेप्थ है काफ़ी कम है, निग्लिजिबल, ऑलमोस्ट फ्लश्ड है, ऐसे ही दिखेगा अनलेस एंड अंटिल यू स्विच इट ऑन, हाईलाइट नहीं होगा वो. इसको क्विकली ऑन करके देखते हैं. दिस इज कूल वाइट, दिस इज वॉर्म वाइट, आप टेम्परेचर्स को मिक्स कर देते हो. कई बार ऐसे होता है कि ऐसा लगता है कि सीलिंग में लाइट कम है, तो इसके लिए सीलिंग के व्हाइट लाइट के साथ वॉल के येलो लाइट स्टार्ट कर दिए, येलो शैंडलियर स्टार्ट कर दिया या एक्सेंट लाइट स्टार्ट कर दिए. इससे क्या होता है, डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ लाइट मिक्स हो जाते हैं और इवन दो लाइटिंग थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा बट इट इज़ अनकम्फर्टेबल टू बी इन दैट स्पेस और इमीजिएटली आपके आँखों पर यू कैन फील द स्ट्रेन. तो यू कैन अवॉइड दिस. जैसे पॉलीकैप सिंड्रेट 3-in-1 LED पैनल लाइट है जिसमें आपको 3 मोड्स मिलते हैं, एक है कूल व्हाइट, फिर है न्यूट्रल व्हाइट और वार्म व्हाइट. व्हाइट लाइट के साथ आप सीलिंग का जो कूल व्हाइट है वो पेयर कर सकते हैं. अगर इफ यू आर वॉचिंग टीवी और आपको उतना हार्श व्हाइट लाइट नहीं चाहिए तो वार्म व्हाइट जो लाइट है उसके साथ आप बेड के नीचे जो हम एक इनडायरेक्ट एलईडी लाइट देते हैं उसके साथ आप वो पेयर कर सकते हो, या लिविंग रूम में आप शैंडलियर के साथ जो वार्म व्हाइट लाइट है वो पेयर कर सकते हो. तो इस तरीके से आप डिफरेंट लाइट टेम्परेचर से पेयर कर सकते हैं एंड स्टिल हैव इनफ लाइट इन द रूम. नेक्स्ट इज नॉट यूजिंग नेचुरल लाइट सनलाइट इफेक्टिवली. नाउ आई थिंक एज डिजाइनर्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लानिंग करते वक्त हम इस तरीके से प्लान करें सारे स्पेसेस कि जो नेचुरल लाइट है हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके. फॉर एग्जाम्पल वाइल प्लानिंग योर स्टडी एरियाज या वर्क स्टेशन, इफ यू कैन प्लेस इट नेक्स्ट टू द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, नेक्स्ट टू द विंडो, तो ऑब्वियसली आपको आर्टिफिशियल लाइट पर डिपेंडेंट होने की टिल अ पॉइंट ऑफ टाइम जरूरत नहीं है. ऑब्वियसली लेट इन द इवनिंग यू विल हैव टू स्विच ऑन द आर्टिफिशियल लाइट्स, बट जितना पॉसिबल हो नेचुरल लाइट यूज हो ये हम कोशिश कर सकते हैं. उसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इट इम्पैक्ट्स योर मूड टू अ ग्रेट एक्सटेंट और सेकेंड इज ऑब्वियसली इससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी इससे आपका काफ़ी कम होगा. इसे हम हमेशा कहते हैं कि इसमें जो कलर पैलेट है वो काफ़ी लाइट रखो, तो इससे लाइट रिफ्लेक्ट होता है. कॉम्पैक्ट स्पेसेस में अगर आप कंप्लीटली वाइट या न्यूट्रल कलर्स यूज करो तो उसे लाइट रिफ्लेक्ट होता है. और जैसे मैंने कहा बहुत लेट तक आपको आर्टिफिशियल लाइट पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है. जब आप लाइटर कलर्स यूज करते हो तो लाइट रिफ्लेक्ट होता है फ्रॉम योर फ्लोरिंग, फ्रॉम योर वॉल्स. और जब आप बहुत एक डार्क कलर टोन्स यूज करते हो, जैसे आपने देखा होगा कई बार रेस्टोरेंट्स में या कैफेज में ऐसे कलर्स यूज होते हैं जो ऑब्वियसली अगर आप लेट इन द नाइट वहां पे जाते हो तो वो एम्बियंस काफी डिफरेंट होता है. पर अगर घर में आप इस तरीके का एम्बियंस क्रिएट करोगे तो उसको लिट अप करने के लिए आपको ज्यादा लाइट्स ऐड करने पड़ेंगे और लाइटिंग अफेक्ट्स योर मूड टू अ ग्रेट एक्सटेंट. और नेचुरल लाइट से आपका मूड एक्चुअल में काफ़ी अच्छा लगता है. दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, नॉट दैट आई एम सेइंग. और अगर आप शूटिंग वगैरह करते हो तो आपको तो पता है नेचुरल लाइट इज नेचुरल लाइट और उसमें जो होता है वो अलग ही बात होती है उससे. नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट बाइंग एक्स्ट्रा लाइट्स. तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपके घर में 50 पैनल लाइट्स आपने लगाए हैं और एग्जैक्टली 50 आपने परचेज किए, आपने लगा दिए और से कुछ पीरियड के बाद एक लाइट उसमें का खराब हो गया. नाउ क्या होता है कि जब हमें बल्क में लाइट्स लगते हैं हम किसी पर्टिकुलर जगह पे जाके वो लाइट्स लेते हैं एंड दैट प्लेस माइट नॉट बी रियली क्लोज टू योर हाउस. और फिर क्या होता है 50 मिनट का एक लाइट खराब हो गया, एक तो आप जब वहाँ पे जाओगे फॉर दैट सिंगल लाइट यू विल ट्रैवल और आप वो लेके आओगे, एक तो आपको उतना टाइम होना चाहिए और जब तक आप नहीं जाते हो एक लाइट बंद रहता है. तो इसके लिए वॉट वी हैव बीन डूइंग फॉर से फ्यू ईयर्स इज कि हम कुछ लाइट्स एक्स्ट्रा लेके रखते हैं. तो 50 के जगह पे आप 52-53 लाइट्स ले लो तो एक लाइट उसमें खराब भी हो गया तो इमीडिएटली जो आपके पास है वो इलेक्ट्रिशियन से आप दूसरा लाइट लगा सकते हो एंड देन व्हेनेवर आपको टाइम मिलता है वहां पे जाने वाले हो आप वो लाइट एक्सचेंज करके ले सकते हो बिकॉज हर एक लाइट को जनरली उनकी वारंटी होती है. उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और ऑल वीडियोस इस ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट कीजिएगा. मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए आज के वीडियो में ऐसा क्या था जो आपको बहुत अच्छा लगा या प्रोबेबली कोई नई चीज जो आपने आज इस वीडियो से सीखी हो उसके बारे में भी जरूर बताइएगा. मिलेंगे जल्द ही एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय.